क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली कार्टून कौन सी थी? और उस वक्त तो कंप्यूटर या लैपटॉप पर एनिमेटेड चीजें नहीं बना करती थी, तो आखिर ये दुनिया की पहली कार्टून बनी कैसे होगी? तो आइए हम जानते हैं। 17 अगस्त 1908 को पेरिस में गोमेंट कंपनी ने पारंपरिक हाथ से खींची गई एनिमेशन शैली में एमिल कोहल द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला पूरी तरह से एनिमेटेड कार्टून फैंटासमागोरिस जारी किया। फैंटासमागोरिस कार्टून एक छड़ी आदमी को चारों ओर घुमाते हुए और कुछ वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए दर्शाता था। फैंटासमागोरी एक संक्षिप्त लाइन एनिमेशन है जिसमें एक रहस्यमय कठपुतली पैरट या फैंटोक और उसका वातावरण मूल रूप से बदल जाता है। फूल बोतल बन जाते हैं, हाथी घर बन जाता है और प्रियोट एक बुलबुला बन जाता है। पहले जमाने में जो कार्टून बनते थे वो आजकल के जैसे कंप्यूटर पर डिजिटली नहीं बनते थे। पुराने जमाने में फ्रेम बाय फ्रेम कार्टून बनता था, हर एक फ्रेम मैन्युअली बनाना पड़ता था और ऐसे ही बनते थे पुराने जमाने के कार्टून। आपको हमारा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।